सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक न्यू वीडियो। सो फाइनली मैंने आपके डिमांड पे एनसीईआरटी रिव्यू वीडियो बना दिया और एक भैया जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उन्होंने मुझे कहा कि एनसीईआरटी मंगवा के दे दो मुझे 6 to 12 तक। तो मैंने जहाँ से मैं मंगवाती हूँ वहीं से मैंने इनको मंगवा के दिया। तो मैंने उनसे परमिशन ली कि क्या मैं आपके एनसीईआरटी वीडियो का रिव्यू बना सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 11th 12th की है तो मेरे पास पूरी नहीं है इसीलिए। और आप लोगों की इतने दिन से डिमांड भी थी और मैंने प्रोमिस भी किया था किसी से कॉमेंट में कि हाँ मैं बना के दूंगी, एक मतलब कि आप थोड़ा सब्र कीजिए। सो फाइनली आ चुका है, अब आपको मैं दिखा देती हूँ। पहले हम हिस्ट्री की देख लेते हैं एनसीईआरटी की, क्या क्या पढ़ना है ये हम आगे डिस्कशन करेंगे, पहले अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये 6th की एनसीईआरटी है, आप देख सकते हो इसकी मतलब कि ओरिजिनल जो बुक्स आती है एनसीईआरटी वो वाली है ये। तो यहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना कि आप इनका कवर देखो, क्योंकि आप अगर आप मंगवाओ तो आपके पास गलत ना आ जाए, और इनके टॉपिक्स देखो और जो इसकी क्वालिटी है वो देखो। तो फाइनली अगर आप इनसे मंगवाओगे तो आपको ये जो आपको दिखा रही हूँ यही एनसीईआरटी मिलेगी ओरिजिनल। तो ये थी हमारा इतिहास 2 क्लास 7th और 8th, और ये है अपनी 9th की भारत और समकालीन विश्व 1st, और ये है अपनी 10th की। इनके कवर और इनका नाम अच्छे से देख लो ताकि आप मंगवाओ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। भारत और समकालीन विश्व 2 और 10th की थी, अब 11th की है। विश्व के इतिहास के कुछ विषय, ये अपनी 11th की है, अच्छे से देख लो। क्वालिटी सबकी एक ही है, अगर इसमें सभी में दिखाने लगे तो फिर वही है, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। फिर ये है अपनी 12th की, भारत इतिहास के कुछ विषय भाग 1st, इसके 3 भाग हैं तो वो 1st था, और जी ये सेकंड है भारत इतिहास के कुछ विषय भाग 2, ये 12th की है, 3 है 12th की। और 11th और 12th की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताइए। तो फिर अब आती है हमारी जो पॉलिटिकल की है, वो आ चुकी है। तो ये क्या है, ये 6th की है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो देख सकते हो आप क्वालिटी इनके सेम ही है सबकी। अंदर से मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ चैप्टर वगैरह एंड जो इसका इंडेक्स है वो। एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत फ़ायदा है यार यूपीएससी में, अगर आप मतलब कि मैथ साइंस या अनदर से हो तो, अगर आप आर्ट से हो तो फिर भी अगर आपका बेस थोड़ा कम कंप्लीट है तो आप इनको पढ़ सकती हो। फिर नेक्स्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये 7th की है, ये सारी पॉलिटिकल की आप देख सकते हो। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3rd, और ये है लोकतांत्रिक राजनीतिक 1st, फिर ये है लोकतंत्र राजनीतिक 2 क्लास 10th की, और ये अपनी राजनीतिक सिद्धांत। ये मेरे पास भी है ये बुक, सच्ची बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 बार पढ़ ली है। सामाजिक न्याय से रिलेटेड है वो बुक, और ये है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये 11th क्लास की पॉलिटिकल का, ये अपनी 12th के स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये 12th की है। 12th में 2 बुक है पॉलिटिकल की देख सकते हो, दूसरी है समकालीन विश्व में राजनीति, तो ये 12th की है, 2 बुक है, और 12th की बहुत अच्छी है और इम्पोर्टेंट भी है। ये अपनी कक्षा 9th की अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। नेक्स्ट है आर्थिक विकास की समझ, ये 10th की है, ये भी इकोनॉमिक्स के लिए है। फिर नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये 11th क्लास की है, इकोनॉमिक्स के लिए, देख सकते हो अंदर से। इन सभी एनसीईआरटी को मंगवाने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके मंगवा सकते हो जो भी आप मंगवाना चाहते हो सारी। और ये फिर 12th की सेमेस्टर अर्थशास्त्र एक परिचय, ये भी इकोनॉमिक के लिए है, ये भी 12th की है, 2 है 12th की। फिर ये आगे अपनी ज्योग्राफी की, पृथ्वी हमारा आवास, ये 6th क्लास की है। और ज्योग्राफी की अगर आप 6th से 12th तक पढ़ ली ज्योग्राफी की तो दूसरा आप रिसोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 7th की गई। ये 8th की है, ये अपनी 9th के समकालीन भारत का 1st भाग है, ये समकालीन भारत का 2 भाग है, 10th में होता है। फिर ये अपनी 11th में भारत और पर्यावरण, 11th 12th की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, अपने 11th में ना 2 भाग है ये, देखो दोनों देख सकते हो, बहुत अच्छी बुक है ये दोनों ही। अब 12th की आ जाती है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, 12th की है ये, और ये 12th में 2 है, ये 2nd था। फिर ये आता है अपना आर्ट एंड कल्चर के लिए, भारतीय कला का परिचय, आप बोलते हो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करें, तो ये दोनों बुक बहुत अच्छी है, 11th और 12th की भारत कला का परिचय, ये भाग 2 बहुत अच्छी है दोनों बुक आर्ट एंड कल्चर के लिए। फिर ये समाज शास्त्र परिचय, 11th में 2 है समाज से रिलेटेड, ये दूसरे समाज का बोध, ये दोनों 11th के देख सकते हो, अच्छी बुक है समाज के लिए। फिर ये है अपनी भारत के सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये भारतीय समाज 12th की, ये 2 है भारतीय समाज की 12th में, तो ये अच्छी बुक्स हैं, ये अपने जो छोटे टॉपिक सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बुक है ये। अब बात कर लेते हैं इनको परचेज कैसे करना है, तो आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इन पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके इनको परचेज कर सकते हो, जितनी भी आप परचेज करना चाहते हो। बट फिर भी आप पूछोगे कि दीदी हमें कितनी परचेज करनी चाहिए, 11th या 12th की या फिर टोटली सारी, तो देखो अगर आप देखना है आपका बेस कितना कंप्लीट है तो उस हिसाब से करना है। आप मैथ साइंस से हो तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना उसके सारी पढ़ लो तो अच्छी बात है, क्योंकि सच्चे में जब पता आप बेस कवर होता है ना, तो जब आप पढ़ते हो ना जो स्टैंडर्ड बुक्स, ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ पता है, बस एक बार उनको रिवाइज ही कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं आर्ट्स से थी और मैं एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ लगातार,
तो मेरी अच्छे से पढ़ी हुई है, मैं यहीं पढ़ती थी, मैंने स्कूल में यहीं पढ़ी है। तो जब मैं जेएस का नोट्स और जो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले ये रटे हुए हैं, बस इनको रिवाइज ही कर रही हूँ। और ऐसा हुआ ही है, इलेवन ट्वेल्थ में मैंने रटे ही थे। इलेवन ट्वेल्थ में हमसे यही करवाया जाता है, बार बार उन्हीं बुक्स के क्वेश्चन उनको ही रटवाया जाता है, तो वही। और फिर भी मैंने इलेवन ट्वेल्थ की फिर से पढ़ी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा समझाया हुआ है। और जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये तो मेरे काफ़ी वर्तब भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, तो इस ऐसे करके। और इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ की यार इतनी छोटी छोटी, अगर आप सिक्स सेवन्थ की सिक्स्थ की पढ़ने लगोगे एक दिन में सारी एनसीईआरटी पढ़ दोगे, सेवन्थ की एक से दो दिन में सारी पढ़ दोगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अगर आप पढ़ना चाहो तो ऐसे एक एक अक्षर याद करके पढ़ोगे तो फिर आपको पता ही है। तो पढ़ने का भी एक तरीका होता है, तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको रिव्यू दे दिया है कैसे आपको परचेज करना है वो भी बता दिया है, पे डिपेंड करता है आपको कितनी परचेज करनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना।